नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र पे और मैं हूँ किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। जी हाँ, रूस से S-400 एयर डिफेंस डील के बाद भारत ने इसराइल के आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी डील की है। इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI को $777 मिलियन का अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके तहत यह इजरायली कंपनी भारतीय नौसेना के 7 जहाजों को LRSAM एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करेगी। कंपनी की ओर से बुधवार को यह जानकारी दी गई है। IAI ने बताया है कि प्रोजेक्ट का मुख्य कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BL के साथ उसने यह डील हासिल की है। दोस्तों आपको बता दें कि LRSAM BARAK-8 फैमिली का ही पार्ट है और ये एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इसराइल की नौसेना के साथ भारत की नौसेना, वायु और थल सेनाएं करती हैं। IAI ने कहा है कि इस डील के साथ ही BARAK-8 की सेल पिछले कुछ वर्षों में $6 अरब तक पहुंच गई है। IAI के मुख्य अधिकारी ने कहा है कि भारत के साथ हमारी साझेदारी वर्षों पुरानी है और हम संयुक्त रूप से सिस्टम के विकास और प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत IAI के लिए एक बड़ा मार्केट है। ऐसे में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हम भारत में अपनी पोजीशन को मजबूत करने की दिशाओं में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और पुराने सहयोगी रूस के साथ साथ इसराइल भारत के लिए हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में बनकर उभरा है। पिछले साल IAI ने इंडियन आर्मी और नेवी को मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के लिए करीब $2 अरब की डील की थी। इसके बाद BL के साथ मिलकर $630 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट BARAK-8 जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है उसकी आपूर्ति को किया जाएगा। आपको बता दें कि BARAK-8 को IAI ने इसराइल के रक्षा मंत्रालय, भारत के DRDO, दोनों देशों की नौसेनाओं और कई अन्य कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है कि अब नौसेना को भी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। दोस्तों इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है SAB को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि SAB ने अपने सी ग्रीफ रडार को अपग्रेड किया है। SAB ने अपने सी जिराफ रडार को अपग्रेड किया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। ये रडार सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड पर यात्रा करने वाली किसी भी चीज का पता लगा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल कम उड़ान में अधिक तेजी से उड़ती है जिसकी वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आ पाती है और आसानी से नौसेना के जहाज इसके शिकार बन जाते हैं और ऐसी मिसाइलों के खिलाफ कार्य करने का मौका नहीं मिल पाता और नौसेना के पास समय नहीं हो पाता है। हाइपरसोनिक गति श्रृंखला का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। SAB की SDM प्रणाली को जहाज पर लगाने के बाद तुरंत इस तरह की मिसाइलों को ट्रैक किया जाता है और लक्ष्य के खिलाफ कार्रवाई करने का समय अधिक मिल जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि SAB के SDM प्रणाली सभी स्थितियों में स्टेल्थ वाले किसी भी लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है और उस पर हमला साधने का मौका दे सकती है। दूसरे पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है राफेल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मुद्रा के गिरते स्तर पर फ्रांस के साथ हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर भी इसका असर पड़ा है। आपको बता दें कि 59,600 करोड़ रुपए में हुए राफेल विमान सौदे की कीमत 6,400 करोड़ रुपए बढ़कर 66 करोड़ रुपए हो गई है। दरअसल सितंबर 2016 में यूरोपीय मुद्रा यूरो के हिसाब से फ्रांस के लिए राफेल विमान का सौदा 7.89 बिलियन यूरो में हुआ था जो भारतीय रुपए के हिसाब से 59,600 करोड़ रुपए का था, लेकिन यूरो के मुकाबले रुपए के गिरते स्तर की वजह से इसकी कीमत अब 66,000 करोड़ रुपए हो गई है। कीमत बढ़ने का असर राफेल डील के ऑफसेट करार पर भी पड़ सकता है जिसके तहत अनिल अंबानी समेत डसॉल्ट के साथ ऑफसेट करार करने वाली अन्य कंपनियों का भी हिस्सा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट की डील भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 2016 में हुई थी जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 36 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान को लेकर। जी हां, पाकिस्तान ने फिर भारत पर सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप गढ़ा है। उसका कहना है कि वह इस संधि से जुड़ी अपनी चिंताओं को लेकर भारत के खिलाफ मुहिम चलाएगा। उसने भारत पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तानी अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में बन रही 2 पनबिजली परियोजना का दौरा करने का मौका नहीं दे रहा है। डॉन अखबार में पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मेहर अली शाह के हवाले से कहा गया है कि भारत के जल आयुक्त ने 29 से 30 अगस्त को समाप्त हुई सालाना बैठक में जम्मू कश्मीर में 1000 मेगावाट की पाकल डल और 48 मेगावाट की लोअर कलानी पनबिजली परियोजना का दौरा करने का वादा दिया था। यह दौरा पहले सितंबर के आखिरी में होना था लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव के कारण इसे 7 से 12 अक्टूबर कर दिया गया। भारतीय पक्ष ने इस संशोधित कार्यक्रम का सम्मान नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी और ये संधि दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के जल उपयोग के संदर्भ में और उनकी सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए एक तंत्र की भी स्थापना की गई थी। दोस्तों सिंधु जल समझौता आखिर क्या है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सदिया रिवर ब्रिज को लेकर।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक तो आप चीन को हांगकांग से जोड़ने वाले ब्रिज के बारे में तो अभी तक आपने टीवी पे देख ही लिया होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े रिवर ब्रिज की। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े रिवर ब्रिज का निर्माण असम में किया जाएगा और करीब 20 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण से 203 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। असम के धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से जोड़ने वाले इस पुल को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। करीबन 19.3 किलोमीटर लंबे इस फोर लेन ब्रिज का निर्माण 2026 से 2027 तक पूरा हो जाएगा। ये पुल बनाने में क्या क्या चुनौती है उन्हें देखते हुए सरकार राजमार्ग निर्माण शाखा नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फ्रांस की बड़ी कंपनियों से संपर्क किया है। भारत में अभी सबसे लंबा रिवर ब्रिज ढोला सदिया है जो 19.5 किलोमीटर लंबा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का उद्घाटन पिछले साल किया था। दोस्तों, यदि आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूले, साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।